रिकॉर्डिंग या ओके। अच्छा भाई, कल हमने जो उसकी देखी थी, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी? भेजी तो होती नहीं आपने, रिकॉर्ड करते क्यों है? भेजी मैं किसको भेजूं, कहां, कैसे भेजी भेजूं? रिकॉर्ड की है मैंने, कल वाली भी है मेरे पास, अभी प्रीवियस दो वाली मैंने सेंड नहीं ना की आपको अभी। सर, कोई भी नहीं ना सेंड किया सर, आपने? नहीं, कल वाली और परसों वाली दो नहीं की। नहीं की। हाँ चले, मैं शेयर कर दूंगा आप बना, आज शेयर कर दूंगा मैं। वो मेरा मोबाइल ना, पता नहीं नजर लग गई उसको, मेरा छोटा सा मोबाइल है, उसको नजर लग गई थी, वो गिर गया। सब बना ले ले थोड़ा। वो मोबाइल गिर गया, सलामुअलैकुम उसका सर। बैक कैम जो था ना वो प्रॉब्लम कर रहा है। वो मैं इधर व्हाट्सएप ऑन करता था, वेब व्हाट्सएप, तो उधर से आराम सुकून से लैपटॉप से शेयर कर लेता था डायरेक्ट। तो आजकल वो इश्यू बना हुआ है। मैं ट्राई करता हूँ अभी ना, कोई दूसरा मोबाइल लेके तो उधर से शेयर करके, तो फिर आपको फर्दर शेयर कर देता हूँ। लैपटॉप के स्टोर से भी हो जाती है व्हाट्सएप? लैपटॉप के माइक्रोसॉफ्ट स्टोर होता है जो। मुझे बताना यार, क्लास के बाद ना, फिर मैं उधर से देख लूंगा। ठीक ओ बस है सर। भाई, क्या हो गया? जी क्या हाल चाल है? मैंने हाँ पूछा क्या हाल चाल है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर। इससे वही पूछे, इसने आता पढ़ना छोड़ दिया था, आप मुझे याद कर रहे थे। तो और क्या, क्या हुआ सर? कुछ नहीं वैसे, मैं पूछ रहा, मैंने कहा उमर नजर नहीं आ रहा मुझे। वो एक दिन क्लास में चुप करके बैठे थे ना। मैं हाँ हाँ वो आपको पता ही है, फिर क्लास में ऐसे ही होता सही है। है, आपको याद होगा। चले सही हो गया। अच्छा अभी ये देखें, ये हमारे पास था, कल हमने इसको डिस्कस किया था। इसमें हमारे पास अब डेफिनेट इंटीग्रल में करना ये था हमने कि ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, ये फंक्शन है, इसकी जब इंटीग्रेशन लेंगे तो वो फंक्शन चेंज हो जाएगा फाई ऑफ एक्स में। अपर लिमिट लोअर लिमिट हमने कैसे पुट करनी है, इस तरह भी लिख सकते हैं इसको और ब्रैकेट्स में भी लिख सकते हैं, दोनों मेथड, मतलब नॉर्मली ये वाला मेथड चलता है। और इसमें ना कंफ्यूजन हो जाती है ज्यादातर, यूज टू, अच्छा मतलब जो ज्यादातर होता है ना यूज टू, वो ये वाला मेथड है, मतलब ये वाला मेथड उसमें चलता है। और इसको अप्लाई कैसे करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। फिर उसके बाद हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी इसकी। अब्दुल रहमान असना माइक अपना बंद करो ना। जब हम इसकी अपर लिमिट को लोअर लिमिट की जगह चेंज कर देते हैं, इन दोनों की पोजीशन आपस में चेंज करते हैं, तो बाहर हमारे पास एक माइनस आ जाता है। एक प्रॉपर्टी ये पड़ी थी। फिर एक प्रॉपर्टी हमारे पास ये थी कि हम अगर ए और बी के दरमियान कोई भी एक नंबर इंक्लूड करवाएं, कोई भी नंबर, जैसे आपको बताया था 2 और 5 के दरमियान हम एक नंबर इंक्लूड करवाना चाह रहे हैं, लेट सपोज हम कहते हैं वो नंबर है 3, तो फर्स्ट जो इसकी लिमिट्स हैं वो जाएंगी 2 से 3 तक, फिर दूसरी लिमिट जाएगी इसकी 3 से 5 तक, ये वाला प्रोसेस था। ये एक दो क्वेश्चंस में यूज होना है आगे, तो ज्यादातर ये वाला यूज होगा, या फिर ये तो सिंपल है ना, ये तो होना ही है, ये तो जनरलाइज है, ये तो हमने ये चंद एक थर्ड चंद सही एक क्वेश्चंस में करना थर्ड है। थर्ड प्रॉपर्टी तो ये थर्ड वाला प्रॉपर्टी है, ये जो थर्ड प्रॉपर्टी है ये भी तो सेकंड की तरह है ना। नहीं, सेकंड की तरह नहीं है, सेकंड में तो ये चेंज करते हैं हम। ये देखो सेकंड में तो हमारे पास ये है, नीचे वाला फंक्शन ऊपर आ गया, ऊपर वाला फंक्शन नीचे आ गया, ये देखो लिमिट ए की जगह। अब ये देखो ए अपनी पोजीशन पे ही है, बी अपनी पोजीशन पे ही है, बी अपर लिमिट है, ए लोअर लिमिट ही है। ये एक नंबर हमने इंक्लूड करवाया, ये वाला सी, ये जो एक नंबर इंक्लूड करवाया आपने, ठीक ओके सर, हो गया ना? सही है। क्यों करवाएंगे? ये क्यों करवाएंगे, जब हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाती है तब हमने इसको इस तरह करना है, मतलब लिमिट्स जी ऊपर और दी हैं लेकिन हमारे पास लिमिट्स का आंसर एक और निकल आता है, तो हम कहते हैं कि लिमिट्स उसकी पार्टीशन करते कर लेते हैं,
कल मैंने बताया था वो जब हमने ड्रॉ किया था ये एरिया अंडर द कर्व, अगर आप ये वाला डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं तो आपके पास एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, क्योंकि ये बनना है इस तरह, ये इतना एरिया सारा का सारा खाली रह जाना है, इसका आंसर नहीं आएगा। जब यही हम बात इसको डिवाइड करने के बाद करते हैं कि इसको डिवाइड कर लें, तो ये इसका एरिया बहुत माइनर माइनर सा रह जाता है जो हमारे पास मिस होता है। तो जैसे ही इसकी पार्टीशन ज्यादा से ज्यादा करते जाएंगे उतना हमारा आंसर एग्जैक्ट आता जाएगा। ये आगे ना फर्दर क्लासेस में होता है, उसका नाम है क्या कहते हैं उसके, ट्रिपजॉइडल रूल है, एक ट्रिप्जियम से निकला है ना, ट्रिपजॉइडल रूल है ये बेसिकली। ट्रिप्जियम कौन सी किस तरह की होती है, जिसमें चारों साइडें आपस में बराबर ना हो। बराबर ना हो, और एक होता है हमारे पास उसमें सिम्पसन रूल। चलें जी पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, उसके साथ अगर कहीं हमें जरूरत पड़ी फिर थ्योरी पढ़ने की तो हम इंशाल्लाह साथ थ्योरी इसके बैक साइड पे जो अभी रहती है ना वो भी डिस्कस करेंगे, जहां तक ओके हमारे सर, क्वेश्चन होते हैं वहां कर तक करते हैं। हाफिज हाफिज साहब कह रहा हूँ, अली मुझे बताना कौन कौन से क्वेश्चन पहला को सवाल एवन, पहला ये जी 10/3 सवाल बहुत दफा आ चुका है पेपर में ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल, बहुत दफा ये पेपर में सवाल आ चुका है। तकरीबन देखो पुराने पेपर जितने भी है ना, तकरीबन तकरीबन सभी में मतलब ये पेपर क्वेश्चन आता है, और इसका जवाब भी मतलब आपको रटा लग जाता है, 10/3 ही आना है। तो इसमें करना क्या है, 1 से 2 इसकी लिमिट है, x² + 1 dx। अब ये सॉल्यूशन स्टार्ट करने लगे, अब इंटीग्रेशन हमें बताती है, इंटीग्रेशन जब दरमियान में प्लस आ जाए तो इंटीग्रेशन हम पहले फंक्शन पे अलग सेकंड फंक्शन पे अलग, x² की इंटीग्रेशन और वन की जी। इंटीग्रेशन, वो सिंपल इंटीग्रेशन जैसे हम लेते आ रहे हैं। x² की इंटीग्रेशन क्या होगी हमारे पास, x³/3, और इधर 2/1 वो आ अरे गए। क्या हुआ, हेलो, मुझे कुछ नहीं म्यूट हुआ कर, सर। ओके, फिर उसमें हमारे पास पावर रूल लग जाएगा ना इंटीग्रेशन का, 2+1 3/3, 1 की इंटीग्रेशन x। अब इसके बाद हमने प्रोसेस करना है मेन, ये 2 अब पुट करना है, पहले अपर लिमिट 2 पुट किया माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट हमारे पास क्या है 1, 1/3 आ गया, प्लस इसमें भी अपर लिमिट 2 है 2 पुट किया माइनस लोअर लिमिट 1, उसको सिंप्लीफाई किया ये बन गया 2 की पावर 8, और ये 2 को और -1 करेंगे तो ये 1 बन जाएगा, और ये 2 की पावर 3 8 -1/3 + 1, जब इन सब का एलसीएम लिया, एलसीएम हमारे पास आ गया 3 एलसीएम आ गया, ऊपर आ गया 8 -1 + 3, 3 और 8 कितने हो गए 11, 11 में से 1 निकाल दिया तो 10 आ गया हमारे पास। सर ये मॉडल लगाना जरूरी ये वाला जी। जी, मोड लगाना जरूरी है, नहीं मोड लगाना तो आप इस तरह की ब्रैकेट्स लगा सकते हो, अभी मैंने ऊपर बताया आपको कि आप इस तरह भी लिख लो 1 और 2 या 2/1 है जो भी है, नहीं लगाना ये वाली मतलब सीधी मोड लगाने तो आप ये ब्रैकेट्स लगा लो, लेकिन जो ज्यादा मतलब मार्केट में चलता है ना वो ये वाला तरीका कार चलता है, मार्केट में इन मार्केट में ये वाला तरीका कार इन है, ठीक हो गया सर। ठीक है ना। सिंपल इंटीग्रेशन वही है, जस्ट एट द एंड लिमिट पुट की है हमने, कोई काम नहीं, जस्ट वही सारे का सारा काम वही, बेसिक काम होता है इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने का, यहां तक काम वही है। अपर लिमिट 2, पहले 2 पुट कर देना इस पूरे में जहां जहां एक्स आ रहा है, माइनस फिर वहां पे 1 पुट कर देना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर इसमें भी इस तरह ही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, उसको सोल्व करके ये हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बन जाएगा। जी अली सेकेंड नेक्स्ट पार्ट, अब सेकंड पार्ट ये। सेकेंड पार्ट सर, ओके अच्छा, अभी सेकंड पार्ट में हमारे पास सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं, उसी तरह ही हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन करनी है, इंटीग्रेशन दोनों की अलग अलग कर ली,
इंटीग्रेशन अलग अलग करने के बाद इसकी पावर में ये एडअप हो गया, ये पावर कितनी बन जाएगी, ये बन जाएगी हमारे पास 4/3, ए 4/3, और ये बन जाएगा 3/4। यस शाहरुख अब्बा, तो ये हमारे पास बन जाएगा 3/3/4, ऊपर आके उल्ट हो जाएगा ना, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये देखें, ये आ गया हमारे पास 4/3, और इधर हमारे पास वो था सिंपल एक्स, और इधर हमारे पास उसकी अपर लिमिट हमने पुट करनी है। अब नेक्स्ट है ना, इसमें उसने पुट कर दिया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट हमारे पास क्या है, -1। ये देखें, इसका हल किया, इसको हल करेंगे तो इसका आंसर ये बन जाएगा 2, और इसको कैसे हल करना है, उसी तरह अपर लिमिट पुट की, 1 पुट किया, फिर -1 पुट किया, दोनों का जवाब सेम ही आएगा। क्यों? क्योंकि पावर इसकी ये आ रही है, ये पावर इसको क्या बना देगी, पॉजिटिव कर देगी, माइनस को भी और प्लस को भी। तो 1-1 ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 0। ये सारे के सारे फंक्शन को क्या कर देगा, 3/4 × 0 + 2, तो इक्वल टू 2 आ जाएगा हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इज इट क्लियर सर? थर्ड पार्ट है। ओके यस सर। थर्ड पार्ट हो सकती है। अच्छा भाई, थर्ड पार्ट में, थर्ड पार्ट आ गया। अब साथ साथ हमने इंटीग्रेशन के सारे फार्मूले भी याद रखने हैं। आपको बताया ये सवाल सारा हमारे पास इंटीग्रेशन का ही है, बस उसमें एट द एंड जो लिमिट पुट करते हैं वही डिफरेंस है, बाकी सवाल बेसिकली हैं ही सारे वो जो हमने प्रीवियस किए हुए हैं। अब ये सर, इसमें कांस्टेंट नहीं लिखते? नहीं, इसमें कांस्टेंट लिखते हैं, वो कल बताई थी रीजन उसकी ना। इसमें अगर कांस्टेंट, लेट्स सपोज आप लिखते हो ना, ए प्रीवियस क्वेश्चन, ये देखो इधर आप अगर प्लस सी लिखते भी हो ना, इसका प्लस सी, इसका भी प्लस सी, ये क्या होता है बेसिकली, माइनस नहीं होता, मतलब फर्स्ट फंक्शन प्लस ऐसे, जब आपने इसमें लिमिट पुट करनी है अपर और लोअर, आपने पुट कर दिया 1 + c हो जाएगा ये, जब अपर लिमिट पुट करेंगे, माइनस फिर 2 पुट करेंगे, 2 - -2 - c वो कट जाएगा फिर। हाँ, आंसर वो रह जाएगा, इसलिए इसमें सी नहीं लिखते हम। ओके सर, क्योंकि इसमें हमने आपको बताया था कि फाइनाइट की नंबर की तरफ मूव करना है, उसमें हम इनफाइनाइट नंबर की तरफ मूव करते थे। अच्छा, अभी क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमने ये देखना है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारे पास आ रहा है ये फंक्शन, इस फंक्शन को हम ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर माइनस में हो जाएगी। अब देखना है इस फंक्शन में इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है, 2 आना चाहिए था डेरिवेटिव, तो हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, 1/2, 2x - 1 की पावर आगे ये 2 dx। अब इस फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद है तो इस पे इंटीग्रेशन का फार्मूला लग जाएगा पावर रूल, ये बन जाएगा 2x - 1 की पावर -2 + 1 - 2 + 1, और ये साथ ब्रैकेट्स लगा के या वो सीधी लाइन लगा के, क्योंकि इंटीग्रेशन तो एक्सपेंड कर दी हमने, -2, और इधर आ जाएगा सॉरी 0 और नीचे -2, और 1/2 नीचे आ रहा है, ये उसने कॉर्नर पे करके लिखा हुआ है। फिर अगला काम क्या है, अगला काम में ये देखें, ये क्या बन जाएगा -1, ये बन जाएगा -1/2, ये बन गया 2x - 1 की पावर -1, ऊपर आ गया 0, नीचे आ गया -2। अब पहले ऊपर 0 पुट कर देंगे इसमें, इसको इधर कर लेते हैं हम, उसने और तरीके से किया हुआ है, -2, जब इसमें हम पुट करेंगे ऊपर वाले में पहले 0 पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा, 2 × 0, 0 -1 रह जाएगा, या इसको ऐसे लिख लें 1/2x - 1,
ये आ गया जीरो, ये आ गया माइनस टू। जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा नीचे, वन ओवर माइनस वन। माइनस जब माइनस टू पुट करेंगे, माइनस टू माइनस टू माइनस फोर, माइनस फोर और माइनस वन माइनस फाइव, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। एलसीएम क्या आ गया, फाइव आ गया। या ऐसे कर ले, पहले इनको भी ऐसे नहीं करें, इनको भी बाहर वाले को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें, या इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा हमारे पास प्लस वन बाय टू, क्योंकि माइनस 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 प्लस हो जाएंगे, ये माइनस माइनस प्लस, ये वाला माइनस इसको क्या कर देगा अगेन माइनस। टेन टेन एलसीएम आ गया, टू फाइव जार फाइव माइनस वन, ये बन जाएगा हमारे पास फोर ओवर टेन, ये बन गया टू ओवर फाइव। टू ओवर फाइव हमारे पास क्या होगा इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट, ठीक हो गया, ये आपके सामने आ गया। वो उसने थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस किया, वो इतने बहुत ज़्यादा स्टेप कर दिए थे, ज़्यादा स्टेप नहीं करने इतने, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन आना है। क्लियर कर दो। यस सर। ओके सर। फोर्थ पार्ट है अब। सही है, इसके साथ वाले मतलब नेक्स्ट ही। सर टेन तक सारे ही हैं। टेन तक सारे ही हैं। सर फाइव। सर फाइव नहीं है। सर फाइव नहीं है। चलें सही है, फाइव नहीं है। अच्छा इसका मुझे आप ही बताओ, डायरेक्ट इधर से बताओ, हम नेक्स्ट नहीं देखना, इसका क्या करेंगे? इंटीग्रेशन टू माइनस सिक्स की पावर वन बाय टू, ठीक है। अब इसके अंदर वाले का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए था, माइनस वन। माइनस वन माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दिया और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया इधर। अब इसका फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया, ये बन जाएगा हमारे पास थ्री माइनस एक्स की पावर कितनी बन जाएगी, थ्री बाय टू, थ्री बाय टू और थ्री बाय टू, और बाहर एक माइनस भी आ रहा है, इधर आ गया टू और माइनस सिक्स, ये माइनस टू बाय थ्री, ऊपर जाके क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस टू बाय थ्री, थ्री माइनस एक्स की पावर थ्री बाय टू, और इधर लिमिट आ रही है माइनस सिक्स और टू। अपर लिमिट पुट करो पहले, फिर लोअर लिमिट पुट करो, आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा इसका। नीचे देखते हैं आपको, फंक्शन में लिमिट तो नहीं ना पुट करेंगे ना, कांस्टेंट में नहीं, जस्ट फंक्शन में एक्स में, जहां जहां एक्स होगा वहां वहां लिमिट पुट करनी। सर एक बार दिखा दें, सॉल्व किया हुआ, ये देखें, ये देखें, ये आ गया हमारे पास फंक्शन। फंक्शन का आगे उसने क्या किया है, माइनस वन ये लगा लिया नीचे, उसने इधर मल्टीप्लाई नहीं किया, जो हमने मल्टीप्लाई किया था ना, कि इधर भी माइनस आना चाहिए, इधर भी माइनस, उसने एक माइनस नीचे लगा लिया। पावर में एड अप करने के बाद ये बन गया, ये पोर्शन सारा का सारा वही आ गया, यहाँ तक हमने किया था। यहां से करने के बाद अब हमने टू इसमें पुट किया, टू थ्री माइनस वन, थ्री माइनस टू सॉरी वन हो जाएगा, वन की पावर जो मर्जी ले तो उसका आंसर वन ही आएगा। इधर बन जाएगा माइनस सिक्स, थ्री माइनस 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 प्लस हो गया सिक्स, नाइन बन गया। अब नाइन किसकी पावर बनती है, थ्री की पावर टू, ऐसे बन गया थ्री की पावर टू, थ्री है थ्री बाय टू, टू टू से कैंसिल हो गया, तो थ्री की पावर कितनी रहेगी, थ्री की पावर थ्री, मतलब थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, थ्री इंटू थ्री नाइन, नाइन इंटू थ्री ट्वेंटी सेवन, ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट। अली ठीक है, हर सिक्स पार्ट अब। जी जुहेब खान आए हैं उनके साथ। जी जी सर, ड्राइंग रूम में बिठाओ उनको ना, मैं आ रहा हूँ क्लास लेके। अच्छा भाई क्वेश्चन नंबर फोर, सिक्स्थ क्वेश्चन नंबर सिक्स। यस सर। यस सर। ओके
क्वेश्चन नंबर सिक्स ही है। अच्छा मुझे कौन बताएगा, अपना वकील साहब बैठे हैं? यस सर। अच्छा वकील साहब, इसमें हम क्या करेंगे इस प्रोसेस में? सामने है सारा सवाल, एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब देखें इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय टू करेंगे। शाबाश, x इधर ले आएंगे, x इधर ले आएंगे, टू से मल्टीप्लाई भी कर दिया और टू से डिवाइड भी कर दिया, टू से डिवाइड भी कर दिया, तो इसकी पावर में वही ऐड हो जाएगा। शाबाश, वही नीचे आ जाएगा, वही नीचे आ जाएगा। ये देखें भाई, टू से मल्टीप्लाई भी कर दिया उसने और डिवाइड भी कर दिया, डिवाइड करने के बाद पावर रूल लग जाएगा इस पे। पावर रूल क्या हो गया हमारे पास, वो थ्री बाई टू आ गया हमारे पास और नीचे भी आ गया थ्री बाई टू। फिर नेक्स्ट इसने क्या किया है, नेक्स्ट लिमिट पुट कर देनी है, अंडर रूट फाइव पहले पुट कर दिया, फिर माइनस जो भी लिमिट है नीचे वाली लोअर लिमिट वो पुट कर दी, उनको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई किया कैसे किया भैया, पांच के साथ ये कैंसिल हो गया अंडर रूट और स्क्वायर, ये रह गया पांच माइनस एक चार बन जाएगा। फिर चार किसका स्क्वायर होता है, दो का, दो की पावर दो आपस में कैंसिल हो जाएगी, दो की पावर तीन रह जाएगी, ये दो की पावर दो कैंसिल होगी, टू की पावर थ्री रहेगी, तो टू की पावर थ्री एट बन जाएगा। और इधर से हमारे पास क्या बन जाएगा, ये टू की पावर फोर बन जाएगी, फोर माइनस वन थ्री हो गया, थ्री की पावर थ्री बाय टू। अब इधर हमारे पास उसने क्या किया है, इधर उसने आंसर, हालांकि बेसिकली आंसर इधर खत्म हो जाता है, बुक वाले ने पीछे आंसर दिया है, ये वाला बुक वाले ने सर, हम यहां तक कर सकते हैं? हाँ यहां तक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बुक वाले ने पीछे आंसर दिया है ये वाला, क्योंकि इसने आंसर इधर निकाल लिया था थ्री बाय टू तक, यहां तक। और इसने क्या किया है, थ्री की पावर वन और थ्री की पावर वन बाय टू, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर एड अप होंगी, तो इनकी पावर बेसिकली क्या बन जाएगी, थ्री बाय टू ही बन जाएगी। उसने वो बुक वाले की तरह का आंसर बनाने के लिए ये सारा खजल खुआरी जो की है उसने। सर पेपर में मैं कैसे याद होगा कि बुक में कौन सा आंसर लिखा है? मैं वही तो कह रहा हूँ, आप ये यहाँ तक करके आओगे आपको पूरे नंबर मिलेंगे। सर अगर की में उसने वहां तक किया होगा, किस में, की में जो बोर्ड की तरफ से तैयार होती है? यार तूने पढ़ना करना है भाई, पेपर तो देने है ना, अगर हुए। नहीं नहीं पेपर तो देने है, वो तो बात ठीक है। तो बेसिकली आपको मैंने बताया कि टीचर जो होते हैं ना, मतलब उधर जब आते हैं ना चेक करने पेपर, तो वो ज़्यादातर उनको होता है कि वो यूज टू होते हैं जो जो उनकी आंखों से गुजरता जाएगा उन्होंने मतलब टिक लगाते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि वो सही भी क्वेश्चन होता है वो गलत हो जाता है, और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि जो गलत होता है वो सही हो जाता है। ये दोनों पॉसिबिलिटीज होती हैं, क्योंकि उधर बेसिकली ना बैठे होते हैं ग्रुप बना के, पॉसिबिलिटी होती है मतलब सही भी होने की और पॉसिबिलिटी होती है गलत भी होने की, मतलब आपका जो क्वेश्चन है वो सही भी हो सकता है वो गलत भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा चांसेस यही होते हैं आपके, मतलब ये नंबर मिल जाते हैं, वो टिक लग जाता है, पांच नंबर मिल जाते हैं जितने भी मिलेंगे, या दो नंबर मिल जाएंगे। अच्छा अब तो चार ही मिलेंगे जी, अब तो चार ही मिलेंगे, डबल होने हैं। हाँ अब तो चार ही मिलेंगे फर्स्ट ईयर के भी वो तो ऑटोमेटिकली सी बात है ना। अच्छा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव किसकी कमी है, टू की कमी है, टू की कमी पूरी करने के लिए हमने क्या किया, टू से मल्टीप्लाई कर दिया, टू से डिवाइड कर दिया, नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव बन गया टू एक्स, तो इसको हम क्या लिख देंगे, वन ओवर टू लॉग में लिख देंगे, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस टू और वन और टू। फिर जब हम ये करेंगे, हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट क्या है, टू
टू की पावर टू फोर, फोर प्लस टू सिक्स, वन और टू ये हमारे पास मिलके बन गया थ्री। अब इसकी एक प्रॉपर्टी लॉ की प्रॉपर्टी होती है, वैसे क्वेश्चन इधर भी खत्म हो जाता है, लॉ की एक प्रॉपर्टी है जब माइनस हो रहा हो तो हम उसको एक लॉग में कन्वर्ट करके क्या लिख सकते हैं, सिक्स बाय डिवीजन में, हाँ डिवीजन में ये कैंसिल होकर क्या बन जाएगा टू टू, तो हम इसको भी लिख सकते हैं आगे, फिर फर्दर आगे मजीद सोल्व कर सकते हैं। ये वन बाय टू इधर आ रहा है, ये वन बाय टू इसकी पावर लेके जा सकते हैं, लॉग अंडर रूट टू लिख सकते हैं इस स्थान से, देखते हैं उसने क्या दिया हुआ। सर लॉग के ऊपर नहीं फिर अंडर रूट आएगा? नहीं नहीं लॉग के ऊपर नहीं, वो लॉग के साथ जो फंक्शन है उसके ऊपर आएगा, लेकिन उसने यहाँ तक ही आंसर दिया हुआ। लॉग का लॉ हमने अप्लाई किया है इधर, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। ओके। इस एक्सरसाइज में भी पेपर में आता है क्वेश्चन है ना, लॉन्ग आ सकते हैं। 3.5 में आपको बताया था बाई चांस होते हैं, 3.6 में से आने के चांसेस होते हैं ज्यादातर, और या फिर होते हैं वो 3.8 में से लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर एट। यस सर। ये शॉर्ट सा क्वेश्चन है, क्या किया उसने, सिंपल अलग उनका स्क्वायर कर लिया, स्क्वायर एक्सपेंड कर दिया, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू, इधर आना था एक्स इंटू वन ओवर एक्स, वो एक्स एक्स से कैंसिल हो गया, अकेला टू रह गया, मतलब सिंपल उसने स्क्वायर एक्सपेंड कर लिया। स्केयर एक्सपेंड करने के बाद अब उसने क्या किया, हर एक की लिमिट अलग अलग कर दी, इंटीग्रेशन अलग अलग अप्लाई कर दी, इसकी इंटीग्रेशन का जवाब क्या आएगा, एक्स की पावर थ्री ओवर टू, थ्री सात थ्री और टू प्लस, इसका आंसर क्या आएगा, एक्स की पावर माइनस वन ओवर माइनस वन थ्री और टू, और तीसरे का आंसर हमारे पास आएगा एक्स, क्योंकि उसकी इंटीग्रेशन वन है, इधर वन की इंटीग्रेशन एक्स होती है, तो इधर आ गया थ्री और टू, सब में हम ऊपर वाली लिमिट फिर माइनस नीचे वाली लिमिट, इसमें ऊपर वाली लिमिट पुट करेंगे वन ओवर थ्री, थ्री की पावर थ्री कितना होता है 27, माइनस टू की पावर थ्री कितना होता है 8 प्लस, इसमें बल्कि ये माइनस बन जाएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास वन ओवर थ्री, ये हमारे पास बन जाएगा वन ओवर थ्री माइनस वन ओवर टू माइनस टू, और ये बन जाएगा हमारे पास थ्री माइनस टू, ये कितना रह गया 19, 19 ओवर थ्री माइनस इन दोनों का एलसीएम कितना बन गया 6, ये बन जाएगा टू माइनस वन ओवर सिक्स बनते माइनस वन, माइनस वन ओवर सिक्स बन जाएगा, और ये माइनस टू बन जाएगा, इनका एलसीएम कितना आ गया सबका, सबका एलसीएम बन जाएगा 6, ये बन जाएगा 19 दो बार 38, ये माइनस माइनस प्लस का हो गया 1 माइनस 6 टू आर 12, ये कितना बन गया 39, 39 में से 12 निकाल दिए 27, 27 बटा 6, फिर ये आगे कैंसिलेशन होती है इसकी, तीन नौ बार तीन दो बार नौ बटा दो जवाब आ जाएगा, नौ बटा दो, ठीक है ली, ओके सर मैं कर दूं, नाइन्थ पार्ट अब, नाइन्थ पार्ट अब ठीक हो गया, नाइन्थ पार्ट। अच्छा देख लेना वो ना हो के मैथ की क्लास लेते रहना, अगला लेक्चर शुरू हो जाए, नहीं अभी साथ में पढ़े नहीं आया, हाँ हाँ बस ठीक हो गया, फिर ठीक हो गया। अच्छा अभी ये देखें नाइन्थ क्वेश्चन नेक्स्ट, यस सर ओके, अब ये देखें हमने देखना है कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव, इस फंक्शन का बेसिकली डेरिवेटिव होता क्या है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव देखना है हमारे पास क्या बनेगा, 2x प्लस 1 अंदर वाले का, अंदर वाले फंक्शन का हमने देखा,
ठीक है ना। तो अब ये देखें, अब इसमें थोड़ी सी इसने ना मतलब ट्रिक एक अप्लाई करनी है। हाँ अच्छा भाई ये देखें, इसकी पावर इसने लिख ली 1/2, इसको तरतीब से लिख लिया। तरतीब से लिखने के बाद इसने क्या किया, अब बेसिकली इसने ना 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया है। लेकिन आप ये यहाँ से ऐसे करें कि ये इसने ये किया है काम, ये वाला जो पोर्शन है ना, अगर हम इसमें से x प्लस 1 ओवर इसमें से 2 जब कॉमन लेंगे तो इधर क्या बन जाएगा फिर,